मेरा नाम लाला अशोक कुमार अग्रवाल है और मैं यहाँ MG रोड पर लॉ फैकल्टी कॉलेज के पास की बाउंड्री के बराबर में ही खेल लगाता हूँ करीबन 40 साल से। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप सब बचपन में मर गए, ज़मीन जायदाद थी वो सब ख़त्म हो गई, नाते रिश्तेदार खा गई, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी बीवी एक्सपायर हो गई, जो बच्चे 3 बच्चे थे, एक लड़का दो लड़कियाँ, उनकी मैंने शादी कर दी। मैंने और मेरे साली ने मिलकर शादी कर दी, वो लड़कियाँ मेरे पास आती नहीं हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजर बसर कर रहा हूँ, अपने हाल पर कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना नहीं, चाहे मेरे बच्चे मेरे पास आए या ना आए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये कभी याद आती है तो रो लेता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है, फिर अपनी रोज मर्रा की जो ज़िंदगी है उसे चालू कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ आगरा। आगरा में MG रोड पर ये जो अंकल जी हैं ये अपना ठेला लगाते हैं, इन्हें करीब करीब 40 साल हो गए। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, इनका जो ठेले का नाम है लावारिस जिंदगी वीरा लाला भाई अग्रवाल कांजी बड़े वाले। तो ये अलग अलग रेटों में चीज़ें बेचते हैं, ये कांजी बड़े स्पेशल सोडा सिकंजी और नींबू पुदीना सिकंजी बेचते हैं। तो ये अंकल जी हैं, इन्हें 40 साल हो गया करीब यहाँ पर अपना ठेला लगाते हुए। तो ये जो है अंकल जी, इनका ना कोई घर है ना कुछ है, जो इनका घर है वो ये है, सिर्फ ये खटिया है, इस पर ये दिन रात इनका सब यहीं पे निकलता है। और अपने अंकल जी यहाँ पे अपना ठेला लगाते हैं दिन में, फिर रात को यहीं पे सोते हैं। तो थोड़े दिन पहले अंकल जी, अभी हमने बात की थी वीडियो शूट करने से पहले, तो इनके जो पैसों की, जो पैसे रखते थे उसकी भी चोरी हो चुकी है और लॉकडाउन में काफ़ी बुरा हाल हुआ है इनका। मतलब इन्हें खाने तक का पैसा नहीं था, काफ़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जो लॉकडाउन है वो निकाला है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, चलो एक हाई क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली कहीं हैंडल भी कर रही थी अपना लॉकडाउन, किस तरीके से अपना जीवन बिता रही थी, क्योंकि कमाई को तो कोई थी नहीं, सिर्फ खर्चा ही था। लेकिन आप इनसे पूछिए जो रोज़ कमाते हैं और उसी को खाते हैं, और पूरे लॉकडाउन कोई बिक्री नहीं है और ना इनका कोई घर है, बेचारे अंकल जी इसी खटिया पे दिन रात इन्होंने बिताया हुआ, तो किस तरीके से इन्होंने अपने ये लॉकडाउन निकाला है और उसके बाद भी इनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है, कोई शॉप पर आता नहीं है। देख रहे हैं आप पूरा खाली डाला हुआ रोड तो चल रहा है लेकिन इनकी शॉप पर कोई आ नहीं रहा है। तो इनकी जो शॉप है वो MG रोड पर, अंकल जी से बात करते हैं, वो बताएंगे अंकल जी कितना टाइम होगा आपको यहाँ पे? 40 साल हो गया। 40 साल से आप यहाँ पे शॉप है आपके, ये ठेला लगा रहे हैं ना? तो ये एड्रेस क्या है आपका, मतलब आप ये कहाँ पे लगाते हैं ठेला? MG रोड पर सुभाष पार्क, लॉ फैकल्टी कॉलेज है। अच्छा, लॉ फैकल्टी कॉलेज है, उसके पास अंकल जी जो है ठेला लगाते हैं। और आप सामने देख रहे हैं ये जो नेक्सा है, मारुति सुजुकी नेक्सा की जो कंपनी है, उसके सामने अंकल जी ठेला लगाते हैं। तो अंकल जी क्या क्या बनाते हैं आप इसमें? कांजी बड़े और नींबू की शिकंजी, स्पेशल सोडा सिकंजी है ना? तो आम का पना। तो आप देख रहे हैं करीब करीब 4 तरीके की चीज़ें अंकल जी बनाते हैं। और ये मटके हैं? अच्छा, ये आपने ये रेड कलर के, ये रेड कलर के इससे क्यों रख रखे हैं कपड़े से? अच्छा अच्छा, हाँ, तो जो रेड कलर होता है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो काफ़ी जो ज़्यादा होती है, तो उसी के लिए अंकल जी ये रेड कलर के कपड़े से इसे ढक रखा है, क्योंकि रेड कलर जो होता है उसको हम दूर से भी देख सकते हैं। तो चलेगा इनसे हम बनवाते हैं अंकल जी, तो बनाइए एक सोडा सा कंजी बना दीजिएगा। अच्छा, कांजी बड़े बना दीजिए, आप देखेंगे इनसे हम कांजी बड़े बनवा रहे हैं अंकल जी से। तो इस मटके में इन्होंने कांजी बड़े रखे हुए हैं। अगर आप आगरा रहते हैं या कभी आगरा आते हैं तो प्लीज़ अंकल जी की शॉप पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। सिर्फ ये इतना छोटा सा इनका घर है, ये इनकी खटिया है, इस पर ये सोते हैं, यहीं पे आप ये काम करते हैं, ये अपना ठेला लगा लेते हैं सुबह और फिर यहाँ सो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो देखिए अंकल ये क्या है, ये आपने क्या डाला अभी इसमें? काला नमक डाला है, पकौड़ी अच्छा, डाली है, पकौड़ी डाली है, मसाले की चटनी डाली है, हरे मसाले की चटनी, पुदीना डाला है, जीरा डाला है, जीरा डाला है, ये हींग डाल रहा हूँ, ये हींग डाल रहे हैं अंकल जी, मतलब काफ़ी कुछ बना रहे हैं आप, देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, मेरे को तो अभी से टेस्ट आने लग गया। तो प्लीज़ आप ज़रूर इनके पास आइएगा, क्योंकि जिनको ज़रूरत है ना, हमें हमेशा उन्हें देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हें दीजिएगा, इनकी
मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अंकल जी इतनी सारी तीन चार तरीके की चीज़ें लगाते हैं, अपने पास आके एक बार टेस्ट जरूर कीजिएगा, और अगर टेस्ट करने के बाद आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप दूसरों को ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि वो भी इनके पास आएँ। आप देख रहे हैं भाई, कौन सा पानी है ये? ये राई का पानी है। अच्छा, ये राई का पानी है, राई डाल के बनाते हैं आप। देख रहे हो हमारे ये कांजी वड़ा है जो बन के तैयार हो गया है, तो देखने में भी मुझे टेस्टी लग रहा है, तो चलिए इसको टेस्ट करके और बताता हूँ मैं। और अंकल जी क्या बनाते हैं आप? अच्छा, जलजीरा ही बना दीजिए। कांजी बड़ा हो गया बिना पकौड़ी का जलजीरा। अच्छा, बिना तो ये जल्दी। अच्छा, ये जो पकौड़ी डालते हैं ये कांजी बड़ा हो गया, और बिना जो पकौड़ी के बनाते हैं वो उसे जलजीरा बोलते हैं। मतलब जलजीरा और कांजी बड़ा एक ही, मतलब एक ही गिलास में है। तो चलिए मैं टेस्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं अंकल जी एमजी रोड पर ये अपना ठेला लगाते हैं, 40 साल हो गए इन्हें करीब करीब, तब से ये अकेले हैं और नेक्सा कंपनी के सामने। और आपने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया है, इनका जो ठेले का नाम है लावारिस जिंदगी वीरान लाला भाई अग्रवाल कांजी बड़े वाले। तो चलिएगा, मैंने इनसे कांजी बड़े अपने बनवा लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर आपको ये वीडियो दिखे तो आप अंकल जी के पास, जो कि यहाँ शॉप अपना ठेला लगाते हैं, तो इनके पास आएँ और इनका जो कांजी बड़ा है और काफ़ी तीन चार तरीके की चीज़ें हैं, आप इनको टेस्ट कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा इनकी हेल्प कीजिए आगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो ये तीन चार तरीके की चीज़ें बनाते हैं उसको आगे टेस्ट कीजिएगा, और आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ और लोगों को भी इनके पास भेजिएगा। थैंक यू।